नमस्कार, मैं हूं आशीष राव, लाइव टीवी समाचार, लोकतंत्र की आवाज में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं कुछ अहम खबरों की तरफ। यूपीसीएल उत्तराखंड की टीम ने जीती शहीद मोहन नाथ वॉलीबॉल प्रतियोगिता। दो दिन तक चले टूर्नामेंट में दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड की टीमों ने लिया भाग। बिंदुखत्ता के जनता इंटर कॉलेज में आयोजित दो दिवसीय अशोक चक्र विजेता शहीद मोहन गनाथ गोस्वामी ओपन वॉलीबॉल टूर्नामेंट कप के फाइनल मुकाबले में यूपीसीएल की टीम ने बिंदुखत्ता यूथ क्लब को हराकर ट्रॉफी पर कब्जा किया। विजेता और उपविजेता टीम को अतिथियों द्वारा ट्रॉफी और पुरस्कार दिया गया। बता दें कि लालकुआ के वरिष्ठ समाज सेवी हेमंत नरूला ने विजेता टीम को 25,000 और उपविजेता को 15,000 की नगद राशि कार के रूप में अपनी तरफ से दी। बिंदुखत्ता यूथ क्लब द्वारा आयोजित वॉलीबॉल ओपन टूर्नामेंट में रविवार को पहला सेमीफाइनल बिंदुखत्ता यूथ क्लब और चौधरी क्लब रुद्रपुर के बीच खेला गया, जिसमें बिंदुखत्ता यूथ क्लब ने जीत हासिल की, जबकि दूसरा सेमीफाइनल दिल्ली युवा क्लब उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की टीम के बीच खेला गया, जिसमें यूपीसीएल ने मैच जीतकर फाइनल में स्थान बनाया। देर शाम खेले गए फाइनल के रोमांचक मुकाबले में यूपीसीएल की टीम ने बिंदुखत्ता की टीम से 3-1 से मैच जीत ट्रॉफी को अपने नाम कर लिया। बता दें कि लालकुआ के वरिष्ठ समाज सेवी हेमंत नरूला ने विजेता टीम को 25,000 और उपविजेता को 15,000 की नगद राशि पुरस्कार के रूप में अपनी तरफ से दी, जिसके बाद पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रदीप बिष्ट, कांग्रेसी नेता हरेंद्र बोरा, संध्या डालाकोटी, हेमंत नरूला चेयरमैन, लाल चंद्र सिंह, देवेंद्र बिष्ट सहित तमाम प्रतिनिधियों ने विजेता टीम को 25,000 रुपए का चेक और ट्रॉफी के साथ ही उपविजेता टीम को 15,000 रुपए और ट्रॉफी सौंपी। टूर्नामेंट की कमेंट्री ललित चौपाल ने की, जबकि आयोजन समिति के संरक्षक दीप जोशी, अध्यक्ष सुशील यादव, बिक्की दानू, राजेश जोशी, राजा धामी, दीपक शर्मा और विजय सामंत ने सभी खिलाड़ियों और अतिथियों का आभार जताया। फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।